हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम ब्लॉग 96। और आज आ गए हैं हम केटीएम शाद्रा में ड्यूक 390 का फुल डिटेल रिव्यू करने। तो जिस चीज़ का आपको इंतजार था वो बाइक फाइनली लॉन्च हो चुकी है। तो देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलते हैं बाइक के पास। तो सबसे पहले बात करेंगे बाइक की फ्रंट लुक की। तो फ्रंट लुक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, एग्रेसिव है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक लुक इस बार KTM 390 का आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको LED हेडलाइट मिल जाती है, साथ साथ आपको यहाँ पर DRL लाइट भी बाइक के अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही यूनिक डिज़ाइन के अंदर KTM ने दी है। साथ ही साथ यहाँ आपको LED टर्न इंडिकेटर बाइक के अंदर मिल जाते हैं। बात कर लेता हूं बाइक की सस्पेंशन की। तो यहाँ आपको एडजस्टेबल WP USD सस्पेंशन मिल जाते हैं, जिसका आप प्रे लोड भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करवा सकते हो। बाइक के अंदर आपको 320 mm का डिस्क मिलता है विद ड्यूल चैनल ABS के साथ में। यहाँ आपको मैगजिलस का टायर देखने को मिलता है M5 110 सेक्शन का, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का टायर है। और इस प्राइस रेंज में आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट में KTM ही M5 टायर प्रोवाइड कर रहा है। तो बात करते हैं बाइक के मीटर कंसोल की। तो यहाँ आपको TFT डिस्प्ले के साथ में 390 का मीटर कंसोल मिलने वाला है। यहाँ आपको साइड स्टैंड रिमाइंडर और लो फ्यूल रिमाइंडर भी देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं बाइक की मीटर सेटिंग्स की। तो यहाँ आपको सारी चीज़ें, यहाँ पर आप मेन्यू में जाके सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। राइड मोड में आप जा सकते हो, यहाँ आपको रेन मोड में मिल जाएगा। रेन मोड के साथ साथ आपको यहाँ आपको स्ट्रीट मोड भी मिलेगा, ट्रैक मोड भी मिलेगा। साथ ही साथ आप बैक वाला ABS ऑफ भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग ऑन भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आपको लॉन्च कंट्रोल अब की बार KTM ड्यूक 390 के अंदर दिया हुआ है। तो लॉन्च कंट्रोल बहुत अच्छी चीज़ है। इस प्राइस रेंज में लॉन्च कंट्रोल आपको मार्केट में किसी भी बाइक के अंदर नहीं मिलेगा, जो कि ड्यूक 390 के अंदर आपको KTM दे रहा है। बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर आपको हैंडल बार मिल जाता है। सारी आपको मीटर कंसोल की सेटिंग्स आपके हाथ के पास ही मिल जाती है। और स्विचेस की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। यहाँ आपको हजार लाइट का भी सिस्टम अब की बार KTM 390 के अंदर दिया हुआ है। बहुत ही यूनिक सी लुक आपको मिरर्स की मिलती है यहाँ पर, और बहुत ही अच्छी ग्रिप्स आपको अगली बार KTM ने दी है। तो यहाँ से आपका इग्निशन ऑन होता है, 15 लीटर का बहुत ही प्यारा सा फ्यूल टैंक बाइक के अंदर यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। फुली इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन बाइक के अंदर आपको मिलता है, जिसकी आप टाइमिंग भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। बात कर लेते हैं बाइक की ग्राफिक की। तो यहाँ आपको KTM बहुत ही प्यारी सी ग्राफिक देता है वो। तो अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की, जो कि सब लोग जानना चाहते हैं भाई। एक बिल्कुल न्यू लुक आपको यहाँ KTM 390 के इंजन का मिल जाता है। और सबसे बड़ी चीज, यहाँ आपको अब 399cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI इंजन देखने को मिलता है, जो कि 46 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। अगर पुराने वाले ड्यूक से बात करूं तो 2 BHP यहां पर इंक्रीज KTM ने इस वाली 390 की कर दी है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और इस बार आपको पिकअप भी थोड़ा सा बाइक का इनहेंस देखने को मिलेगा, मतलब ज़्यादा पिकअप आपको अगली बार देखने को मिलने वाला है। तो बात कर लेते हैं अब रियर सस्पेंशन की। तो रियर का सस्पेंशन अब की बार सेंटर में ना देके KTM ने थोड़ा राइट में दिया है। और यहाँ आपको एडजस्टेबल
मोनोशॉक देखने को मिल जाता है। इसका भी आप प्रेलोड एडजस्ट करवा सकते हो क्योंकि ये भी फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन रियर के अंदर आपको दिया है। बात करता हूं बाइक की सीट की, तो बाइक की सीट हाइट पहले से थोड़ी KTM ने कम कर दिया, तो अब 5758 वाले भी बाइक को इजीली राइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, और कंफर्टेबल भी सीट काफी अच्छी है। और पिलियन सीट की अगर मैं बात करता हूं तो पिलियन सीट भी यहां पर अब की बार काफी लंबी आपको देखने को मिल जाती है, तो अगर आप दो लोग भी राइड करना चाहते हो तो अब आप इजीली राइड कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं रियर की ब्रेकिंग की, तो रियर के अंदर आपको 240mm का डिस्क मिल जाता है और साथ ही साथ आपको 150 सेक्शन का टायर यहाँ देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर रियर की टेल लाइट की बात करता हूँ तो वो भी LED टेल लाइट यहाँ आपको KTM ने दी है। LED टर्न इंडिकेटर बैक में भी आपको मिलने वाले हैं। यहाँ आपको बहुत ही अच्छी 183mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, और प्राइस की बात करूँ तो अराउंड 310,000 एक्स शोरूम प्राइस बाइक का रहने वाला है। बाइक ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त है। अब एक चीज जो सबसे ज्यादा आप लोगों को पसंद है और सबसे ज्यादा उसी चीज को लोग पसंद करते हैं, वो है बाइक का साउंड। मैं आपको 390cc का एक बार साउंड आपको सुना देता हूं। करते हैं बाइक को स्टार्ट और सुनते हैं इसका साउंड। तो पहले से साउंड भी थोड़ा सा कंपनी ने इंक्रीमेंट कर दिया है, साउंड के अंदर भी पहले से थोड़ा सा ज्यादा है। अंडरबेली एग्जॉस्ट अब की बार यहाँ KTM 390 के अंदर आपको मिल रहा है, पहले आपको लंबे वाला एग्जॉस्ट मिलता था और अब की बार आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट मिल रहा है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और शोरूम का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी बाइक परचेज करनी है तो आप आ सकते हैं KTM शाहदरा। जय हिंद, जय भारत।